हरियाणा के हिसार में स्वच्छता प्लास्टिक फ्री एवं जल संचय के विषय को लेकर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे स्वच्छ भारत मिशन हरियाणा के कार्यकारी वाइस चेयरमैन सुभाष चंद्र। इस दौरान उन्होंने इस एक दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित अध्यापकों और अधिकारियों को आह्वान करते हुए कहा कि सभी अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी शिक्षा प्रदान कर अपने हरियाणा प्रदेश को स्वच्छ एवं खुशहाल बनाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सपने को साकार कर सकते हैं। इस अवसर पर उनके साथ युवा भाजपा नेता सुखदेव कांगड़ा भी मौजूद रहे। क्या हम स्वच्छता के लिए स्वयं से पहल कर सकते हैं? क्या हम प्लास्टिक अपने जीवन में प्रयोग नहीं करें, इसका संकल्प हम सब कर सकते हैं क्या? आज से 3 वर्ष पूर्व जब मुझे ये दायित्व मिला तो मैंने सबसे पहले यही संकल्प लिया था। और एक कहानी आप सब सुनी होंगी, वो मैं दोहराना चाहूंगा। एक संत मंदिर में गांव में रहते थे। माता जी अपने बच्चे को लेकर के संत के पास गई और संत को कहा, महाराज जी ये मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है। तो महाराज जी ने कहा, बच्चे कल आना, बेटे कल आना, कल बताएंगे। अगले दिन फिर गई, फिर वही जवाब, बेटे कल आना। ये क्रम माता जी का 7-8 दिन चलता रहा। महाराज जी भी समय देते रहे, वो भी जाते रहे। लगभग 10-15 दिन बाद संत जी ने, महाराज जी ने एक ही बात कही, बेटे गुड़ मत खाना। माता जी सोच के बड़ी हैरान कि महाराज जी ये बात तो आप पहले दिन भी कह सकते थे। यदि यही आपने उपदेश देना था, यही बात कहनी थी, तो ये बात तो आप पहले दिन भी कह सकते थे। तो महाराज जी ने कहा, कह तो सकता था, लेकिन तब तक मैं भी गुड़ बहुत खाता था। और आपका जो जीवन है, आपका जो आदर्श है, वो बहुत लोगों की निगाहें, बहुत लोगों की नजरें उसको निहारती है, देखती है। ऐसा मत सोचे कि कौन देख रहा है, क्या फर्क पड़ता है, मैं अकेला ही कर रहा हूं, मैं अकेला ही तो कर रहा हूं, क्या फर्क पड़ता है। जैसे हरीश जी ने भी ये बात कही, नहीं, फर्क बहुत पड़ता है। आप करने का क्या, हमने करना क्या? हम अपने अपने विद्यालयों के मुखिया, हम अपने विद्यालय का एग्जाम्पल कैसे बन सकते हैं, कैसे उदाहरण बन सकते हैं? अभी मैं पिंकी जी को बता रहा था, डीओ मैम को भी बताया शायद, कि कैथल में कार्यक्रम था, वहां एक विद्यालय पूरे देश भर में प्रथम आया। मैंने उदाहरण दिया, मेरे लिए नया विषय था, तो यहाँ के लोग भी कहने लगे, पिंकी जी भी कहने लगे, प्रिंस अपना शिक्षा अधिकारी जी भी कहने लगे कि हिसार के अंदर भी एक ऐसा विद्यालय है। तो यानी ऐसा नहीं है कि आप करेंगे उसको कोई देखता नहीं है, नहीं है, मायने बहुत है। मैं भी सौभाग्य से शिक्षक था, जब राजनीति में मुख्यमंत्री जी ने मुझे मौका दिया तो एक प्रेरणा बनाई, एक संकल्प लिया।